हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के जो फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम चल रहा है उसका हम लोग मोस्ट वीवीआर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा SST का, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था, यानी भौगोलिक खोज दे हुआ था उसके परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था, शासक वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, सैनिक वर्ग को या कृषि वर्ग को। तो फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ था वो व्यापारिक वर्ग को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और SST में हम लोग हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन का सभी क्वेश्चन देखेंगे 50, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। तो मार्टिन लूथर जो थे वो जर्मनी के रहने वाला था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। तो फ्रेंड, अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तत्कालीन जो इसका कारण बना था वह बोस्टन की पार्टी के कारण ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, स्वाधीनता के पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई है, यानी कौन सा संस्था स्थापित की गई है। तो ये जर्मनी के एकीकरण के दौरान स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी, यानी कि फ्रांस में जो राजक्रांति हुआ था वो कितने ईस्वी में हुआ था। तो ये 1789 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बेस्टिल का पतन कब हुआ। वेस्टिल का पतन कब हुआ था फ्रेंड, तो ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो ये तो कंफर्म सबको पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 ईस्वी में, और ख़त्म कब हुआ था, 1918 ईस्वी में, और सेकेंड द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह 1939 यानी 1939 में शुरू हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था और चला था कब तक, 1945 तक। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा या द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो 1917 ईस्वी में फ्रेंड रूस जो था वह अलग हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था। तो नाजीवादी जो है वो किस सिद्धांत का विरोधी था फ्रेंड, तो ये समाजवाद का विरोधी था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था। तो नाजी पार्टी का संबंध जर्मनी से था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। तो सरहुल पर्व जो है वो कौन समुदाय के लोग मनाते हैं, तो ये मुंडा समुदाय के लोग मनाते हैं, जो कि झारखंड साइड में देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, दामिन इको किस जनजाति का इलाका था। तो ये संथाल का इलाका था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संथाल और मुंडा दोनों झारखंड में देखा जाता है समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है, लगभग कितना बड़ी है, यानी आधी, द्विगुनी, तिगुनी या चौगुनी। तो फ्रेंड ये दुगुनी बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है। तो फ्रेंड ये भूगोल का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा यानी बाउंड्री लाइन जो है उसको कौन सा लाइन कहते हैं। तो फ्रेंड इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा जो है वो 7 राज से होकर के गुजरती है, इसमें लिखा हुआ है कि नहीं गुजरती है, तो नहीं वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, यानी श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसमें आ जाएगा पेम्बन द्वीप, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है।
लक्ष्मी सागर झील जो है वह बिहार में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में से कौन लवणीय झील है। लवण का मतलब यानी नमक पाया जाता है, तो बुलर झील, डल झील, सांभर झील या गोविंद सागर झील। तो लवणीय झील जो है फ्रेंड वो है सांभर झील, और मीठा झील पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, बुलर झील हो जाएगा। तो दोनों याद करिएगा, लवणीय यानी नमक वाला भी और मीठा वाला भी। तो मीठा वाला कौन सा हो जाएगा, मीठा पानी का सबसे बड़ा झील हो जाएगा बुलर झील, और नमक यानी खारा पानी या लवणीय पानी का जो झील हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, सांभर झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है। तो जाड़े में जो सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है वह खिलमर्ग में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो भारत में जो है तो जीव संरक्षण जो लागू किया गया था फ्रेंड वो 1972 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो भरतपुर पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में 47,000 के प्रजातियाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है। तो ये निरूपक भिन्न जो है वह सर्वाधिक मान्य है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापनी में हर व्यक्त करता है, क्या चीज़ का हर व्यक्त करता है। तो ये धरातल की दूरी का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। यानी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं यानी लिटरेसी रेट वो किस राज्य में है, तो ये केरल में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी 80% लोग वहाँ पे क्या है, साक्षर है यानी लिटरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की औसत आयु संरचना क्या है। तो भारत की जो औसत आयु संरचना है वह 64.6 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ से सिविक्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि इनमें से किस से लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। यानी विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, सैनिक तख्तापलट, प्रेस पर प्रतिबंध या लोगों का संघर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, लोगों का संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो लोकतंत्र के लिए क्या चीज़ आवश्यक नहीं है, तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो वह आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। तो आज दुनिया में सबसे जो अच्छा शासन है वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, उसी को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो ये रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का क्या था, अत्यधिक टकराव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो लोकतांत्रिक संविधान में जो है वह शासन का प्रमुख नाम का प्रावधान नहीं रहता। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, चुनाव क्यों जरूरी है इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, यानी कि चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है। तो फिर से आ गया नहीं वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए, यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, गुना नहीं होगा, चुना हो जाएगा,
चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्टी एट नंबर कि निम्नांकित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक प्रावधान हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी हो जाएगा, गृह मंत्रालय का सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नांकित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन मालिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, विदेश में घूमने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो हमारा जो मौलिक अधिकार है 6, उसका रक्षा कौन करता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा होता है, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों पर सवाल उठाया था? तो ये था बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है, ठीक है, इसमें भारतीय संविधान के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पूंजीगत वस्तुएं जो है वो निम्नलिखित में से कौन से हैं, इनमें से सभी, यानी मशीनें, हल और ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो मानव संसाधन के रूप में क्या जाना जाता है, मानवीय पूंजी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार में जनसंख्या घनत्व है 1102 थे, यानी 1102 था, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 2004 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुआ था, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार यानी गांव के लोगों को जो रोजगार उपलब्ध कराया था वो कितना ईस्वी में, तो ये सितंबर 2001 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, या भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, यानी कि खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? तो खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच और खाद्यान्न का क्रय करने की क्षमता, क्रय मतलब खरीदने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तब तक इतना प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।